ये हम लोग का डे आई थिंक टू है, डे टू है। और जैसे मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट सारी स्विमिंग के वीडियो हैं, तो ये राफ्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं। राफ्टिंग में जानते हैं स्विमिंग मैं करूँगा ही करूँगा, तो वो सारी क्लिप्स इसमें रहेगी। और कुछ अगर टिप्स वगैरह होगी तो उसमें ऐड जरूर मैं कर दूँगा। तो फिर इस ब्लॉग को आप लोग इन्जॉय करिएगा एंड फिर मिलते हैं। तो हम तीन लोग हैं, हम आशुतोष, विकास। तो जनरली क्या होता है ना, तीन लोग को राफ्टिंग कराई नहीं जाती है। तो अभी वहाँ पे कोई ग्रुप अगर होगा तो उस ग्रुप के साथ हम लोग को ऐड किया जाएगा। लेकिन जो वीडियो होगा मैं कोशिश करूँगा ना कि मेरा, आशुतोष और विकास, इन तीन का ही मोस्टली कैप्चर हो उसमें। और अगर जैसे राफ्टिंग में जाहिर सी बात है पानी में आऊँगा, तो पानी में आने के बाद अगर ऐसा होगा कि मतलब मैं खुद को बैलेंस बना ले जाता हूँ एंड बोल सकूँगा, तो फिर वीडियो में उसमें भी मैं कुछ टिप्स शेयर करने की कोशिश करूँगा। एंड एक पॉइंट और देखो, जैसे हर जगह की रिवर का दो चीज़ तो अलग होती है, एक वाटर टेम्परेचर अलग होता है, एक वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन होती है वो अलग होती है। जैसे यहाँ पर ऋषिकेश में क्या है, मोस्टली स्टोन्स हैं, तो यहाँ पर पानी नीला ज़्यादा है लेकिन स्टोन्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे डाइव लगाना मतलब, तो डाइव लगाया ही नहीं जाता, मतलब डाइव लगाने से डाइव अवॉइड की जाती है। और जहाँ अयोध्या में जहाँ मैं हूँ वहाँ पे स्टोन्स नहीं है, वहाँ पे रेत ज़्यादा है, मतलब मिट्टी का परसेंटेज ज़्यादा है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि आपको ब्राउन रिवर रहती है, वो ब्राउन कलर हो जाता है उसका। और वहाँ पे डाइव वगैरह आप लगा सकते हो अगर, क्योंकि वहाँ पे डीपनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे डिफरेंट कंडीशन होती है हर रिवर की। तो अगर रिवर में उतरने से पहले आपको वहाँ की कंडीशन पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में आप उतर कहाँ रहे हो। अगर आप वहाँ ऐसे अनजाने में उतर जाओगे तो, क्योंकि अभी राफ्टिंग में हर साल ऋषिकेश में यहीं पे ही हर साल कुछ ना कोई केस हो जाता है डूबने का। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके स्विमिंग करोगे तब तो हादसा होगा किसी भी, मतलब छोटी सी छोटी डीपनेस में, कम से कम डीपनेस में भी हादसा हो जाएगा। तो हमेशा वहाँ की पहली कंडीशन आप देखो कैसा क्या है वहाँ पे, उसके बाद उतरे। जब शायद कार आ गई है और चलते हैं राफ्टिंग पॉइंट पे। फ्लो तो उतना कुछ खास नहीं दिख रहा, मतलब मेरे लिए तो उतना नहीं, मुझे लग रहा कि उतना कुछ एडवेंचर वाला है, बट ठीक है, कोशिश करते हैं कुछ अच्छा ही क्लिप रिकॉर्ड हो जाए सब। हालांकि सबसे राफ्टिंग में देखो स्विमर्स को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत जो फेस मैंने किया था लास्ट टाइम वो ये था कि आप रैपिड में जब जाओगे ना तो पानी ही मुंह में जाएगा, तो उसको कंट्रोल करना बहुत, मतलब आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, चोक हो जाता है आपका गला चोक हो जाएगा, तो वहाँ दिक्कत होगी। जैसे जहाँ पानी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे पानी एकदम वो है, रुका हुआ, मतलब रुका नहीं, मतलब फ्लैट है। यहाँ पे कोई रैपिड, आपको छोटी रैपिड भी नहीं दिख रही, तो मतलब यहाँ पे गहराई ज़्यादा है। उधर आप देख रहे होंगे उधर रैपिड दिख रही होगी, लहर छोटी छोटी, तो वहाँ पे ना पत्थर ज़्यादा है, तो उससे बचना होता है। यहाँ तो आप आराम से फ्लोट भी करके निकल जाओगे। तो अभी देखते हैं, अगर आगे कोई बढ़िया रैपिड होगी तो उस सबकी क्लिप डालूंगा और मैं खुद जंप करूँगा, जंप वगैरह की वीडियो भी रहेगी। बाकी पानी तो काफ़ी ठंडा है और कोल्ड भी हो रखा है, लेकिन स्विमिंग तो स्विमिंग है। हमारा पैडल से, इसके भी थ्री पार्ट्स हैं, फर्स्ट है टी, सेकंड है सॉफ्ट, थर्ड है ब्लेड। उसको होल्ड कैसे करना है आप लोगों को, जिनके पास पैडल है थंब डाउन होगा, करीब 90 डिग्री उठेगा पैडल भी, 90 डिग्री चलना चाहिए। देखो ये एल्बो स्ट्रेट रहेगा, जो रखना रहता है, जो हैंड की करेक्ट पोजीशन होती है वो होती है कि आपका हैंड वाटर सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह हो, और इसको पूरी पावर से इस तरह पीछे की ओर फेंकना है। जब इसको पीछे की ओर आप फेंकेंगे, जब वाटर का वॉल्यूम पीछे जाएगा, देन आपकी बॉडी आगे की ओर बढ़ेगी। वाटर से 90 डिग्री पर रख के देन पुल करिए, देन आपकी बॉडी बहुत अच्छे से जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग अब ध्यान में दीजिएगा, जब भी अपना स्विमिंग क्लास जाएंगे देन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिएगा। ठीक है, जाने चाहिए हैंड स्ट्रेट जाएगा,
बॉडी आगे जाएगा पीछे ले जाएगा, बॉडी पावर लगाना है, बॉडी मूवमेंट फॉरवर्ड। कैसे है रैपिड दे भगवान हे हरी राम के सुजगन नाथ प्रेम आनंद क्या हमें भी कूदना यार? इतने वो भैया चलाएगा कौन ये?
said I'm moving too far. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want, shining like it's neon, like it's neon. Shooting stars across the galaxy. अरे बाप रे, अबे आप लोग कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया कैसे जम कर साला 1-2-1-2 करके बहुत आगे निकल गया। जाओ भैया जाओ 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 आगे जाओ सब जाओ।